अरे चुप, सिंचन कहाँ गया है? आओ मेरे पीछे घुस रहा है, कहाँ है? आओ, मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे क्या पता कहाँ चला गया वो। मेरे को बता के जाता है क्या क्या मैं उसका पापा लगता हूँ? अरे मैं तेरे से आराम से पूछ रहा हूँ, पता है तो बता दे। आओ, मेरे को नहीं पता वो कहाँ पर गया है। फिर ऐसे जवाब भी दे सकता है ना, मुंह जुबानी करने की क्या जरूरत है तेरे को? आओ मैं यार, तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी पहली लड़ाई हो रखी है और तू मेरे साथ बकवास कर रहा है। यार इस चोप से सेमी पूछना खराब है हर चीज के लिए। आओ, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। अरे भाई माफ कर दे, मैंने तेरे से गलत पूछ लिया कि सिंचन कहाँ गया, भाई माफ कर दे मेरे को। ओ मेरे बेटे, ओए कहाँ पर है वो लिटिल सिंगम? तेरी मम्मी बुला रही है। अरे अरे सुमित, लिटिल सिंगम आया था क्या यहाँ पर? आओ, पता नहीं कहाँ गया है। अरे नहीं पता भाई साहब कहाँ गया वो। अरे यार मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चला गया यार वो, उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। चलेगा क्या ये मेरे साथ? अरे उसकी मम्मी बुला रही उसे, वो उसको पकड़ कर ला कहीं से। अबे पता नहीं यार, सिंचन और लिटिल सिंगम दोनों गायब है। अरे यार क्या करे अब, एक काम करते उनकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा आते हैं। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू ढूंढ ले उन दोनों को जाकर, ठीक है? ओके ओके मैं ढूंढ लेता हूँ। चलो यार मैं जलेबी खाऊंगा, मेरी बीवी ने जलेबी बनाई है। गाइस यार देख रहे हो यार, ये बाप है लिटिल सिंगम का, इसको फर्क नहीं पड़ता इसका बेटा है कहाँ पर। पर जब लिटिल सिंगम इसको मिलेगा ना, सभी मारेगा बहुत बुरा इसको यार। ये मैं बता रहा हूँ यार, बहुत खतरनाक बाप है यार उसका। चलो गाइस यार मैं एक काम करता हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर गए होंगे, पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट लिखवा आता हूँ। फोन तो उठा नहीं रहा है, ना ही लिटिल सिंगम ना ही सिंचन, तो मेरे पास तो आखिरी चॉइस यही बचती है कि जाकर मैं लिटिल सिंगम और सिंचन के लिए रिपोर्ट लिखवाया हूँ। अबे हट जाओ ना आगे से, सालों को मारूंगा पटक के। भाई साहब ये लॉस सैंटोस के लोग है ना, इतनी ज्यादा गाड़ियां खरीदने लग गए, पैसा कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों के पास? मेरे पास पैसे ही नहीं और ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। चलो गाइस फाइनली हम लोग आज के पुलिस स्टेशन, अब जल्दी से अंदर जाता हूँ और पुलिस स्टेशन के अंदर जाके जल्दी से रिपोर्ट लिखवा लेता हूँ सिंचन और मेरे भाई लिटिल सिंगम के लिए। पता नहीं कहाँ को गए होंगे, कोई उठा तो नहीं ले गया भाई उनको, भाई पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है। हेलो इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर कहाँ है? अरे ये ना इंस्पेक्टर सर। हाँ बोलो, कहाँ चाहिए तुमको? अरे मेरे को रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ रिपोर्ट? हॉस्पिटल जाओ रिपोर्ट के लिए तो। अरे मेरे को मतलब क्राइम रिपोर्ट लिखवानी है। मैं क्या, तुम कोई क्राइम करके आए हो? अरे नहीं, ये मेरा भाई गायब हो गया सिंचन और एक मेरा दोस्त है लिटिल सिंह, हम दोनों गायब हो गए हैं। अरे ढूंढो तो जाकर उनको, हमारे पास क्या आए हो? अरे यार ये कितने निकम्मे पुलिस वाले हैं, सही में भाई बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो हो कामचोर। अरे कामचोर किसको बोल रहा है? अरे हाँ कामचोर किसको बोल रहे हैं, तो रिपोर्ट लिखो ना भाई। भाई मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा यार, ये लोग तो अलग ही आर्ग्यू कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इनकी गाड़ी ले जाता हूँ। तो घस यार गाड़ी लेके जाता हूँ इनकी पुलिस वालों की, जिससे कोई मेरे को रोके नहीं। और मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेके पुलिस वाली लेके जाता हूँ जल्दी से स्कूल के अंदर और भाई जाके पूछताछ करता हूँ उनके प्रिंसिपल से, क्योंकि भाई आजकल भाई प्रिंसिपल ही आजकल बच्चों को गायब कर रहे हैं यार स्कूलों के अंदर। क्या ही बताऊँ, बहुत दुनिया खराब होती जा रही है यार, कलयुग आ रहा है ना यार कलयुग। अरे लेटी सिंह मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ मुझे भी लगता है। अरे हाँ मैं वही से ही आया हूँ। हाँ मुझे भी बताए ना। अरे लिटिल सिंगम ये असल में जापान से आई है जहाँ से मैं आया हूँ। अरे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यार तुम तो। अरे तुम्हारा शुक्रिया। अरे मेरे साथ सेटिंग करोगी? सेटिंग? अरे ओए लिटिल सिंगम तेरे को मारूंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। मैं तुम से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, पर तुम जो चीज मांगोगी मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या? हाँ तुमने सही सुना, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। अरे सिंचन ये बकवास कर रही है। अरे रुक तो जा, मेरे को एक गाड़ी दे दो बिल्कुल लंबी वाली मस्ती प्लीज मेरी रानी। हाँ क्यों नहीं। अरे सिंचन इसकी बातों में मत आ। अरे तू चुप रहे यार लिटिल सिंगम, पागल है यार तू तो। यार ये जापान से आई है, जापान वाले कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को प्लीज एक बढ़िया सी गाड़ी दे दो जिसको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ये लो सिंचन। ओ गाइस ये क्या, अरे ये सोन परी कहाँ चली गई? पता नहीं गाइस कहाँ चली गई, पर ये देखो हमें एक गाड़ी दे गई। अरे सिंचन तू तो सही बोल रहा है यार, पैर तो फिशेस पूरी होने लग गई। अरे मैं तो बोला ही था ना वो सोन परी खतरनाक है, तो गाइस यार मैं जो भी चीज मांगूंगा वो सोन परी मेरे को दे देगी। ओ बेटे सोन परी की जय हो, सोन परी खतरनाक है। चलो गाइस यार घर चलता हूँ जल्दी से और जाके सुमित भैया को बताता हूँ इन पावर्स के बारे में। ओ सुमित भैया, सुमित भैया। अरे सुमित भैया कहाँ चले गए, गाड़ी नहीं उनकी यहाँ पर। अरे कहाँ गए? अरे यार तू थोड़ा कम चिल्लाया कर यार लिटिल सिंगम, तेरी आवाज बहुत ज्यादा पैनी है यार, तेरे अंदर शेर का तो दम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कोई लड़की बैठी हो तेरे अंदर पतली सी। अरे मेरे कैसे कैसे बोल रहे? अरे चुप रहे यार तू। अरे हट जाओ, पुलिस वाला हूँ मैं, सारा जेल में डाल दूंगा उठा के। हटो हट हट हट।
खंबे यार, पुलिस वालों से भी नहीं डरते, अब हट जाओ ना आगे से। ओके तो गाइस यार फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है यहाँ पर स्कूल के अंदर। अरे लिटिल सिंगम के डैडी जी। ओ सुमित तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे यार मैं भी असल में यहाँ पर पूछने आया था लिटिल सिंगम और सिंचैन के लिए। ओ ये मैडम नहीं बता रही। मैडम जी बताइए आराम से कहाँ पर है सिंचैन, वरना देख लेना पुलिस को बुला लूंगा, मतलब मैं ही पुलिस वाला हूँ। अरे अरे सर हमने कुछ नहीं किया है। वो जो बटरा ही नहीं रही, कहाँ गया मेरा बेटा लिटिल सिंगम? ये असल में कोई चुड़ैल लगती है मेरे को। अरे नहीं सर नहीं, आपका बेटा आया ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर सिंचैन आया। कहाँ गए वो? ओ मैं बोल रहा हूँ उसको जेल में डालो। अबे यार एक सेकंड, किसका फोन आ गया? सुमित। हाँ बोल बंदर। यहाँ पर सिंचैन और दोनों घर पर आ चुके हैं। क्या बोलो, घर पर पहुँच गए? ओ सॉरी मैडम जी, सॉरी आपके ऊपर शक किया फालतू में। चलो आ गए आपका बेटा घर पर। अरे मेरे ऊपर शक लगा रहे फालतू में, मैंने कुछ किया नहीं, बात नहीं। अरे रोइए मत रोइए ना, चलो आ जाओ घर, चलो जल्दी सी। ओ सुमित एक बात बटे आएगा? हाँ बोल। अरे ये तो बता दे यार, तू पुलिस वाला कब बन गया? अबे यार यही तो कमाल है, मैं कभी भी पुलिस वाला और कभी भी चपरासी बन सकता हूँ। वो बेटे बड़ी कमाल किया यार तेरी ये तो। हाँ चलो चलो गाइस यार, अब जल्दी चलता हूँ यार घर पर। भाई सिंचैन और लिटिल सिंगल असल में घर पर ही है यार। ओके तो भाई साहब फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं। भाई इतनी सारा मारा पाची करके आए और ये लोग यहाँ पर घर पर खड़े। अरे सुमित भैया पुलिस की गाड़ी कहाँ से लिया है? अबे तू कहाँ गया था? अरे सुमित भैया मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, बहुत ही खतरनाक वाली बात है। और लिटिल सिंगम, ओ ये गाड़ी किसकी है यार? ओ भाई क्या गाड़ी है किसकी भाई, खतरनाक सहमी। ओ तेरी एसटीसी, तेरी मम्मी मेरे को लड़ रही कि तू कहाँ चला। अरे पापा वो तेरी एसटीसी साले गायब हो जाता है, तू भी ले, दोनों बटवा के भी नहीं जाते। अरे सुमित भैया हमें क्यों मार रहा है, अभी जाके गोलगप्पे खाऊंगा। गाइस मैं क्या बोला यार, सही में लिटिल सिंगम का पापा पागल है। अरे सुमित भैया ये गाड़ी मैं बताता हूँ मैं कहाँ से लाया, कहाँ से चुराई, सच सच बताइए। अरे सुमित ये चुराई नहीं है, हमें एक जापानी लड़की मिली थी, उसने हमें शक्तियाँ दी है। कैसी शक्तियाँ? कि मैं जो चीज मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगी। ओ गाइस एक और गाड़ी मंगा दी सिंचैन ने। अरे सुमित भैया तुम्हें बुकाटी बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने बुकाटी मंगाई है। ओ भाई साहब सिंचैन तो सही खतरनाक है यार तू। अरे सिंह मैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, चलो अब और मजे करते हैं चक्कर। लेट्स गो गाइस, यार सिंचैन के पास यार क्या खतरनाक पावर आ गई यार। सिंचैन जो भी चीज मांगेगा वो चीज यार हकीकत में आ जाएगी यार। ये तो सेमी कमाल हो गया भाई, कमाल। ओ बच गया भाई सब, बड़ी खतरनाक है गाड़ी यार, पावर बहुत ज्यादा है इसमें। गाइस यार इसकी स्पीड चेक करने के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फुल स्पीड में भगाने के लिए। अरे सुमित भैया रोको यार, मैंने यहाँ पर बहुत सारे घर मंगाए हैं। क्या तूने घर ले लिए? हाँ सुमित भैया, बहुत सारा सोना, बहुत सारा पैसा और बहुत सारे घर। कहाँ पर? सुमित भैया वो देखो सामने, बहुत सारा सोना और बहुत सारे घर है वहाँ पर। ओ भाई साहब, अब तूने ये क्या कर रखा है, इतने सारी गाड़ियां मंगा रखी है। अरे सुमित भैया ये तो कुछ नहीं है। गाइस यार सिंचैन ने तो यहाँ पर पूरा एक शहर ही बसा दिया यार, इतनी सारी गाड़ियां मंगा दी है और यहाँ पर इतने सारे घर मंगा दिए। सुमित भैया मैं हूँ ना कमाल का। भाई तू तो है ही कमाल का यार, सिंचैन सही बहुत कमाल का है। और भाई कितने सारे घर है यार यहाँ पर। ओ भाई यार हम तो करोड़पति बन गए। अरे सुमित भैया मैं जब तक आपके साथ हूँ आप कभी गरीब नहीं हो सकते। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर तो रेस कार्स भी है, माय गॉड मैंने जिंदगी में कभी रेस कार नहीं चलाई। अरे सुमित भैया मेरे लिए तो रुको। और गाइस हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा।